हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीएसआईआर नेट, आईआईटी एग्जाम, बीएचयू, डीयू या जो भी आप गेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। एंड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें से लेके आया आप लोगों के लिए, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2013 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सी बेसिकली माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट ये जो है ये डील करता है एंजाइम कैटालिसिस के साथ। अगर आपने एंजाइम कैटालिसिस के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है। तो बेसिक फंडा क्या है एक्चुअली, आपके पास एक एंजाइम होता है जो सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और वो एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो अगर ये फॉरवर्ड और जो पहला रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इसका अगर रेट कॉन्स्टेंट को K1 मानेंगे तो इसके रेट कॉन्स्टेंट को K-1 मानते हैं। फिर जो एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स होता है ये आपको दे देता है प्रोडक्ट पी। अब देखिए, एंजाइम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उसके पास बहुत सारे एक्टिव साइट्स होते हैं और आपका जो सब्सट्रेट होता है वो उन एक्टिव साइट्स में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से फिट बैठ जाता है। यू हैव गॉट एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उसके बाद ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है जहाँ पर आपका एंजाइम, जिसको हम कहते हैं फ्री एंजाइम, आपके सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स्ड एंजाइम। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स्ड एंजाइम, जो कि सब्सट्रेट के साथ लग गया। अब यहाँ पे ना तीन वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने मिलेगा ई, ई का मतलब होता है फ्री एंजाइम जो आपके पास अवेलेबल है। दूसरा आपको ई नॉट देखने मिलेगा, दैट रिप्रेजेंट्स टोटल एंजाइम कितना है, दैट इज टोटल एंजाइम कौन कितना है, और ये हो जाता है ई प्लस ई एस। और आपको एक देखने मिलेगा जिसको कहा जाता है ई एस, ई एस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स्ड एंजाइम। नाउ इसमें फंडा क्या होता है कि जगह अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो मैं रेट ऑफ, अच्छा ये इसको हम रेट कॉन्स्टेंट K2 कह देते हैं, दिस इज योर रेट कॉन्स्टेंट K2। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, अब K1 K-1 दैट इज बैकवर्ड जाने का रेट ऑफ रिएक्शन और K2। तो माइकलिस मेंटेन का जो कॉन्स्टेंट है जिसको हम KN लिखते हैं, बेसिकली एक रेशियो है। इट्स अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो डिसअपियर हो रहा है डिवाइडेड बाय वो बन कितना रहा था। मतलब मुझे बताइए डिसअपियरेंस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ई एस बन रहा है और बनने के बाद या तो यहाँ गायब हो जा रहा है, प्रोडक्ट दे दे रहा है कॉम्प्लेक्स, या वो रिटर्न टूट के वापस फ्री एंजाइम में चला जा रहा है। तो गायब होने के यहाँ पे जो रेट कॉन्स्टेंट है वो दो है। पहला रेट कॉन्स्टेंट कौन सा है? K2। तो K2 प्लस दूसरा कौन सा है? ये K-1 जो रिटर्न चला जा रहा है प्लस K-1 डिवाइडेड बाय, और फॉर्मेशन कितना हो रहा है? फॉर्मेशन सिर्फ K1 से हो रहा है। एक ही वो मेथड है जहाँ पे ई एस बन रहा है उसका रेट कॉन्स्टेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा K1। इसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटेन का कॉन्स्टेंट। तो ये माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय रेट कॉन्स्टेंट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ योर एंजाइम कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अपियरेंस ऑफ ई एस। मतलब कहाँ वो डिसअपियर हो रहा है डिवाइडेड बाय कहाँ वो अपियर हो रहा है, इसका रेशियो है। अब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चन का सॉल्व करना आना चाहिए। ये माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट होता है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछा जाता है। देखिए, द रेट कॉन्स्टेंट K, K-1 and K2 फॉर द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन आर 0.01, 0.05 per second रिस्पेक्टिवली, द माइकलिस कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो देखो, हमको पता है माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, के डिसअपियरेंस K2 प्लस K-1 डिवाइडेड बाय अपियरेंस दैट इज K1। तो K2 का वैल्यू कितना दिया? अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा K2 इज 0.05 प्लस K-1 का वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 0.1, करेक्ट है। क्या आएगा? K1 का वैल्यू उन्होंने 0.1 दिया हुआ है। अब ये BHU का क्वेश्चन है तो अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 0.06, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज़ नथिंग बट 0.6। कैन यू सी दिस 0.6? तो डोंट यू फील इसका आंसर ए होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ माइकलिस मेंटेन कॉन्स्टेंट का ये छोटा सा फॉर वीडियो, एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रहेगा हमेशा। इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि कौन किसके ऊपर कौन, याद रखना डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय अपियरेंस। डिसअपियरेंस यहाँ पे ये पीछे गायब हो रहा है, बनने के बाद वापस आ रहा है, या तो बनने के बाद प्रोडक्ट दे रहा है, तो या तो डिसअपियरेंस
प्लस डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अपियरेंस, वो भी रेट कॉन्स्टेंट हम ले रहे हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।